गाइस, मेरा नाम है सुशांत और आज मेरे पास है सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोल्डेबल द गैलेक्सी जी फोल्ड 4। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसी चीजें जो मुझे गैलेक्सी जी फोल्ड 4 के बारे में पसंद है और तीन ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो चलिए दोस्तों, बिना और टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं अपने ओपिनियन गैलेक्सी जी फोल्ड 4 के बारे में। तो जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट गैलेक्सी जी फोल्ड 4 में आया है वो है फ्रंट डिस्प्ले डिपार्टमेंट में। ये डिस्प्ले अब पहले के फोल्डेबल डिस्प्ले से कंपैरिजन में थोड़ा वाइड है। दिस इज बिकॉज जी फोल्ड 4 का आउटर डिस्प्ले इज नॉट सुपर टॉल एंड नैरो लाइक बिफोर। इंस्टेड अब ये वाइड हो गया है थोड़ा। इन इफेक्ट दिस मीन्स जी फोल्ड 4 का फ्रंट डिस्प्ले अब एक नॉर्मल फोन के डिस्प्ले की तरह फील होता है जिसपे आप टेक्सटिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग आराम से कर सकते हैं, मेकिंग दिस फोन फील लाइक अ टिपिकल फोन। इसके अलावा सबसे बड़ा अपग्रेड जो गैलेक्सी Z Fold 4 में आया है वो है कैमरा डिपार्टमेंट में। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ फोल्ड सीरीज डिवाइस सैमसंग ने अपना फ्लैगशिप कैमरा हार्डवेयर यूज किया है एक फोल्डेबल फोन पे। यस, दिस इज सिमिलर टू द हार्डवेयर दैट वी हैव सीन ऑन द गैलेक्सी S22 सीरीज फोन्स। इस फोन के तीन मेन लेंसेज अपने साथ लाते हैं लार्ज सेंसर जो कैप्चर करते हैं काफी लाइट और डिटेल सैमसंग के पुराने फोल्डेबल्स के कंपेरिजन में। इन फैक्ट They capture enough data कि आप Galaxy Z Fold 4 को iPhone 13 Pro, Galaxy S22 Ultra और Vivo X80 Pro जैसे फोन से कंपेयर कर सकते हैं। This makes the Z Fold 4 a terrific camera phone to carry in your pocket. इस सब के पीछे है Z Fold 4 का primary 50 megapixel wide lens जो काफी detailed images shoot कर सकता है with great dynamic range and vibrant colors. Galaxy Z Fold 4 Samsung का अब तक का lightest और सबसे ergonomic foldable phone है। This is because Galaxy Z Fold 4 में Samsung ने use किया है एक improved hinge mechanism और lighter materials. Don't get me wrong, at 263 grams, it is still heavy. लेकिन iPhone 13 Pro Max जैसे competing phones से बहुत ज़्यादा heavy नहीं। और क्या मैंने mention किया Galaxy Z Fold 4 is also 0.2 mm thinner than the Galaxy Z Fold 3. Making it more portable than any Samsung foldable before. Galaxy Z Fold 4 Samsung का सबसे expensive phone है, लेकिन company का सबसे durable phone नहीं। इसके साथ Samsung आपको देता है IPX8 rating और protection against water, लेकिन dust और sand phone के लिए problems बन सकते हैं। ये फोन के अंदर जाके हिंज में फंस सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। इसके अलावा फोन का मेन डिस्प्ले काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बट स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ रेगुलर ग्लास पैनल विद अ शीट ऑफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस ऑन टॉप। तो आप अगर क्लमजी हैं अपने फोन्स के साथ तो आप गैलेक्सी Z Fold 4 से थोड़ा दूर ही रहिए। सो देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग दिस वन, गैलेक्सी Z Fold 4 इज नॉट अ फोन फॉर एवरीवन। ये कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव फोन है और iPhone 13 Pro Max की तरह इसका प्राइस भी आपकी किडनीज के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। सफाइस टू से इफ मनी इज अ कंसर्न देन आपके लिए हमारा रिकमेंडेशन है इस प्रीमियम फोन से थोड़ा दूरी रहिए। अनदर रीजन व्हाई यू शुड स्किप ऑन द गैलेक्सी Z Fold 4 इज इफ यू यूज योर फोन फॉर मेकिंग टू मेनी वीडियो कॉल्स। सैमसंग ने फोन के आउटर डिस्प्ले पे तो अच्छा सेल्फी कैमरा दिया है, लेकिन मेन डिस्प्ले वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत खास नहीं है। और सैडली यही वो डिस्प्ले है जिसपे आप ज्यादा वीडियो कॉलिंग करेंगे। तो अगर मेन डिस्प्ले को आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स तो तैयार रहिए फॉर अ फार फ्रॉम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज आवर वीडियो अबाउट द थ्री थिंग्स वी लाइक्ड एंड डिड नॉट लाइक अबाउट द गैलेक्सी Z Fold 4। Now, if you like this video, why don't you check out our video where we compare the iQOO 90 and the OnePlus 10T? Thanks for watching.